अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे PMLN के हवाले से, मसला कश्मीर के हवाले से। कराची में गंदगी, कूड़ा करकट जगह जगह हमें दिखाई दे रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, जब से 2018 के इलेक्शन हुए हैं, मुस्लिम लीग नून ओपोजिशन में है, सियासत कहीं जो है हमें वो दिखाई नहीं दे रही, और टॉप लीडरशिप जो है नैब के मुकदमात का हमें सामना करते हुए दिखाई भी दे रही है। नवाज शरीफ का सारा खानदान हमें मुसीबत में देखने में आ रहा है, उनको अकेले छोड़ दिया गया है, और बाकी लीडरान जो है मैदान में आने से जो है वो कतरा भी रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक साल से असेंबली में सिवाय इल्जाम तराशी के जो है वो हमें कुछ देखने में नहीं आ रहा। एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जा रहा है, इसने ये किया, उसने वो किया, और हमें तूफान बदतमीजी जो है वो दिखाई दे रहा होता है। एक साल से असेंबली में सिवाय इल्जाम तराशियां जो है वो ही की जा रही हैं। सिंध में जो है जमात हमें कहीं नजर नहीं आती, PMLN की बहुत ही कम हमें दिखाई देती है। मुल्क में महंगाई का जो है सैलाब आया हुआ है, सूरत हाल जूं की तू है, अवाम बेचारी जो है वो परेशान हमें दिखाई भी दे रही है। कश्मीर के मसले पर भी वो जोश जो है वो देखने में नहीं आ रहा जो कि देखने में आना चाहिए था। मुसलसल हम देख रहे हैं बहुत से ऐसे हालात हैं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है, और हमारी बेचारी आवाम जो है वो मुंतजर है कि हालात जो हैं अब बदल जाएं, अब बदल जाएं, मगर हालात जो हैं वो जूं के तू ही हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने दावत दी है फहद शफीक, वाइस प्रेजिडेंट PMLN सिंध, वॉज कैंडिडेट फ्रॉम NA 251 NPS 117, और हमारे साथ मौजूद हैं फहद। फहद, बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फहद, जैसा कि आपने सुना, मैंने ब्रीफ किया, नून लीग जो है काफ़ी मुसीबत में हमें दिखाई दे रही है, और पेशियों पे पेशियां की जा रही हैं, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां आ रही हैं, तमाम सूरत हाल जूं की तू है, दूसरी पार्टियों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मतलब आखिर ये इन मसाइल का हल और ये सोलूशन कब सामने आएगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जैसे कि आपने बात की कि नून लीग के ऊपर बड़ी मुश्किलात हैं, और वाकई में इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मुश्किलात हैं और वो फेक मुश्किलात हैं। सही। जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने ये सिर्फ जाती दुश्मनी के चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी, लेकिन किसी आपको लगता नहीं है फहद, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि नैब जो है तहकीकात कर रही है और कुछ शवाहिद भी ऐसे मौसूल हुए हैं और कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की गई हैं, और आपको पता है मीडिया के सामने सब सारी चीज़ें आई हैं, तो क्या कहते हैं आप थोड़ा? देखिए, जहाँ तक आपने बात की कि नैब शवाहिद मौसूल कर रही है, और इसमें कोई प्रूफ नहीं आया अभी तक। आप देखें, हमजा शहबाज, खाकान अब्बासी जी, मियां नवाज शरीफ, उसके अलावा जितने भी हमारे लीडर्स हैं इस वक्त नैब की हिरासत में हैं। बिल्कुल। उसके अलावा जो जेल में हैं उनके ऊपर अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। आप नैब को देख सकते हैं कि कितनी पेशियों के बाद भी उनके पास कोई प्रूफ नहीं आता। कि आजकल के जजेस बोलते हैं कि आपके पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं आया, आप रिमांड पे रिमांड लेते रहे। देखिए, रिमांड पे रिमांड, आज जो मिफ्ता इस्माइल हमारे नैब के उसमें अंडर में है, उन्होंने क्या बात बताई है कि मुझसे एक मिनट का भी बयान नहीं लिया गया अभी तक, और रिमांड पे रिमांड ले रहे हैं। खाकान अब्बासी ने कितनी बड़ी बात की है कोर्ट में कि ना उन्होंने अपना वकील किया हुआ है कोई अभी तक, और वो जज को कहते हैं कि आप इनको 3 महीने का रिमांड दे दें ताकि मैं इनको अच्छी तरीके से LNG केस समझा दूं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा ना, समझ नहीं आ रहा। और वो कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर 1 रुपए की करप्शन साबित हो जाए तो डी चौक के ऊपर मुझे सबसे कड़ी सजा दीजिए। हाँ, ये बात कोई कह नहीं सकता। सही है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। साद रफीक को आपने उठा के अंदर रखा हुआ है, कोई प्रूफ नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ की बात करते हैं, आज पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया के सामने मियाँ नवाज शरीफ की जो रियालिटी, केस की जो रियालिटी थी वो सामने आ चुकी है, क्योंकि अरशद मलिक जी का जो केस था, जो चीफ जस्टिस ने हमारे इस वक्त के बयान दिया है कि हमारे शर्म सर जो है वो शर्म से झुक गए, उसके ऊपर जो ये जो बयान था और उनको फारिग कर दिया। बिल्कुल, एग्जैक्टली, वो तो सूरत हाल हमारे जो पहले भी पास्ट में भी रहा है कि जिस जज का जनरल फैसला, जिस जज को हटाया जाता था उसका फैसला भी कलदम दिया जाता था। और आप देखिएगा, कुछ ही दिनों की बात है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट को कन्वे कर दिया गया है केस, उधर इसको रेफरेंस भी बना लिया गया। अच्छा। मियां नवाज शरीफ की रिहाई के लिए अरशद मलिक के केस को फॉरेंसिक भी हो चुकी है, उसकी अथेंटिसिटी का भी पता लग गया है, उस वीडियो की, उस ऑडियो की, और मियां नवाज शरीफ सुरखरू है अभी तक जो केसेस है। और सबसे मजे की बात जी, आप मुझे बताएं एक बात
कि आपने अरशद मलिक को तो हटा दिया, सही, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, क्या नैप के चेयरमैन की अपनी क्रेडिबिलिटी? वो तो कहते हैं ना फेक, फेक है सब नहीं कुछ। उसकी फॉरेंसिक हो चुकी है। अच्छा, उसकी फॉरेंसिक क्यों नहीं करा रहे? चले नहीं हुई, क्यों नहीं करा रहे? सही। एक वीडियो, ये वीडियो असली है, कोई अगर आप बच्चे को भी दिखाएंगे ना 10 साल के, तो वो भी बताएगा कि ये असली एडिटिंग हुई हुई है। नहीं, एडिटिंग ऐसे नहीं हो सकती। चले फॉरेंसिक करा ले, आप क्यों नहीं करा रहे फॉरेंसिक? अच्छा, दूसरी चीज के नैब अक्रॉस द बोर्ड, हम एक बात कहते हैं कि आप अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करें। बिल्कुल, इमरान खान के अंडर में है। अभी एक और वीडियो वायरल हुई है। अच्छा। जो इमरान खान के मौन खसूसी एहतसाब के हैं, शहजाद अकबर उनके साथ, बिल्कुल, डीजी नैब लाहौर की भी वीडियो वायरल हुई है इंग्लैंड में। जी सही है, साथ घूम रहे हैं, साथ तो खाना खा रहे हैं। अब तो ये सिलसिला चलता रहेगा ना, एक वीडियो क्या वायरल होती तो अब तो तांता बनता चला जाएगा। मोस्टली बहुत सारी वीडियो स्कैंडल सामने आते जाएंगे। कितने केसेस थे जहांगीर सिद्दीकी के जी, और जिनको इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले कहते थे कि सबसे बड़े दहशतगर्द हैं पंजाब के, चौधरी बिरादरान, आज वो आपके साथ हुकूमत में। अगर उनके वोट हट जाए तो आप पंजाब हुकूमत से फारिग हो जाएंगे। जिनको आप दहशतगर्द कहते थे कराची में, आपने 2013 की कैंपेन, जिनको दहशतगर्द, टारगेट किलर, रॉ के एजेंट कहकर वोट लिए, आज उनके 4 या 7 सीटों से आप वजीर आजम बने हैं। आपको किस तरीके से वो आपको ब्लैकमेल करते हैं और आपको मजबूरन उनको एक मिनिस्ट्री देनी पड़ जाती है। तो देखें ये सारी बातें हैं। ये इमरान खान ने जो 126 दिन कौम को झूठ बोला है और 23 साल से झूठ बोलते आए, आज देखिए ना, आप ये 300 अरब रुपए जो माफ किए गए हैं के इलेक्ट्रिक समेत डिफरेंट कंपनीज के, क्या वो कराची के बेचारे लोगों की जानों का सौदा किया है? बिल्कुल। आप मुझे बताएं ना, क्यों नहीं आवाज उठा रही वफाकी गवर्नमेंट, क्यों नहीं उठा रहे इनके गवर्नर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं? सही है, यही लोग, मैं, मेरे पास एक बहुत अच्छी मिसाल ऐसी मौजूद है। अच्छा। इन्हीं का अपना वर्कर जिसके 2 हाथ जा चुके हैं, उसके ऊपर फैसल वार्डन ने और इमरान इस्माइल ने, जब ये इनकी गवर्नमेंट नहीं थी, उस वक्त सौदा किया था और अपने बिल माफ कराए थे। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ ये चीजें मौजूद है, और मैं किसी वक्त वो लेके आऊंगा सामने। सही, बिल्कुल, हम भी देखना चाहेंगे। और दूसरी चीज कि देखिए, अब ये इस वक्त कराची में जो सिचुएशन है के इलेक्ट्रिक को लेके, जो आरिफ नकवी साहब हैं, सही है, वो के इलेक्ट्रिक के ऑनर हैं और वो इमरान खान साहब के इन्वेस्टर हैं। उन्होंने इन्वेस्ट किया, इमरान खान के दोस्त हैं, मीटिंग्स में बैठे हुए होते हैं, इसी वजह से आप कुछ नहीं कह पा रहे। वो एक जफर अब्बास, वो मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, उसने आवाज उठाई थी, कोर्ट ने उसकी आवाज बंद करा दी। मजे की बात कि इस वक्त आप देखिए राणा सनाउल्ला का केस। यार आप मुझे एक बात बताएं, मैं एक बहुत छोटा सा पॉलिटिशियन हूँ, क्या मैं कोई ऐसी चीज अपनी गाड़ी में लेके जाऊंगा जिससे मुझे खतरा हो? मेरी नंबर प्लेट फैंसी लेकिन ये भी हो सकता है ना कि एज अ पॉलिटिशियन हमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, मे भी हो सकता है। सबसे ज्यादा होता है इस वक्त जो, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है ना कि अगर पॉलिटिशियन की गाड़ी दूर से देख लेते तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल के लिए लोगों को तो तकलीफ दे देते हैं, लेकिन वो गुजर जाते हैं ना, कोई चेक इन बैलेंस कुछ भी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल चेक इन बैलेंस है। अच्छा। और ऐसा नहीं है। सही। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जब इनको मॉडल टाउन केस में राणा सनाउल्ला के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला ना, इमरान खान ने कैंपेनिंग करते हुए फैसलाबाद में जलसा करते हुए कहा था कि राणा सनाउल्ला मैं तुम्हें मूंछों से घसीटूंगा, अगर आपको याद हो। सही। उसके बाद मॉडल टाउन में कोई केस नहीं मिला, क्योंकि वो तो इनके कजन, सियासी कजन जो थे, वो आजकल कनाडा में बैठे हुए, जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो आ जाएंगे इधर, शोर शराबा करके पैसे लेके वापस चले जाएंगे। कहाँ गए वो? ताहिरुल कादरी साहब, इनके सियासी कजन। अब राणा सनाउल्ला की गाड़ी से ये 20 किलो हीरोइन बरामद कर रहे हैं। चलें एक तरफ मान लेते हैं कि आपने 20 किलो हीरोइन बरामद की है, इस वक्त कोई एक पुलिस वाला 100 रुपए रिश्वत मांग ले ना, उसकी वीडियो बन जाती है। बिल्कुल। कहाँ है वो वीडियो? जज ने उस वक्त फैसला सुनाना था, कोर्ट में फैसला सुनाना था, तो उनका जो वकील था वो चेंज हुआ, उसने कहा सर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं आज, मैं नया केस, ये मेरे हैंड ओवर हुआ है तो मैं इसको थोड़ा रीड करूंगा, और उसके बाद जज आके कहते हैं कि मुझे व्हाट्सएप मैसेज मौसूल हुआ है कि आप इसकी हेयरिंग नहीं कर सकते, हेयरिंग नहीं कर सकते। सही। इसी वजह से ना, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था, प्रूफ नहीं था। अभी तक ANF ने कोई वीडियो नहीं दी है, आपने सिर्फ एक वीडियो दी है जो हम टूल प्लाजा पे एंटर होते हैं और टिकट ले रहे होते हैं उनकी गाड़ी की, बस कोई नहीं। अच्छा, हाँ फहद, ठीक है, ये आप तो बोल रहे हैं, बता रहे हैं, सही बात है, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि इलेक्शन हारने का मतलब क्या होता है कि हर काम से लातालुक ही हो जाए? हम देखते हैं PMLN जो है हमें इतनी ज्यादा जो है वो अब एक्टिव नजर नहीं आ रही जैसे एक्टिव थी, क्या कहेंगे आप? देखिये PMLN अभी भी बहुत एक्टिव है। सही है, हम PMLN के नुमाइंदे हैं,
जहाँ जहाँ लोग हैं पीएमएलएन के, देखिए ऐसा नहीं है पीएमएलएन इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट। लेकिन ये क्यों कहा जाता है कि बस पंजाब में ही होल्ड है? अक्सर हम लोग सुन रहे होते हैं, आवाम हमारी बेचारी कह रही होती है कि इनकी जब हुकूमत थी तो इन्होंने अपनों अपनों को ही एस्टैब्लिश किया है, मतलब सिंध के लिए कुछ नहीं किया। थर के मसाइल देख लें, सिंध की हालत ज़ार देख लें, लोग भूखे मर रहे हैं, पानी का मसला है, तालीम का मसला है, कितने मसाइल हैं। क्यों इस तरफ फोकस नहीं किया गया? इवन के अस्पताल नहीं है हमारे पास, मशीनरी नहीं है हमारे पास, क्यों? मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अगर हम बैकग्राउंड में चले जाएं कि मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे 2013 में जब बने तो सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास थी। देखिए जो प्रोवेंशियल गवर्नमेंट होती है ना, उनके भी अपने कोई फराइज होते हैं। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात प्रोवेंशियल गवर्नमेंट्स को दे दिए गए ना, वफाक डायरेक्टली इंटरप्ट नहीं कर सकता। कुछ मनसूबे हैं जिन पे वफाक खुद कर सकता है, और उसमें भी लेकिन प्रोवेंशियल गवर्नमेंट की सही साथ में मौजूदगी जरूरी है। अब मुझे एक बात बताएं, देखिए पंजाब, आप हमेशा लोग पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब डेवलप हुआ, पंजाब डेवलप हुआ, ऑल ओवर पंजाब, लाहौर डेवलप हुआ, पूरे पंजाब के सारे एरिया डेवलप हुए, सारे शहर डेवलप हुए। कराची की आवाम इसीलिए तो नाले कि कराची के लिए। मैं अब आपको बताऊं, मैं आज कराची की आवाम को आपके प्रोग्राम के जरिए एक बात बताना चाहता हूँ। जब एक गवर्नमेंट प्रोवेंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट सही है, दोनों पीएमएलएन की थी, भले मेयर काम करे या वजीर आला काम करे, वो क्रेडिट किधर जाता था? पीएमएलएन के पास, पीएमएलएन के पास, और वो काम होता था। अब आप इधर आ जाएं, सिंध में आ जाएं, सिंध में इंटीरियर सिंध में अगर ले लें तो हमेशा से पीपल्स पार्टी का स्टेक रहा है। उसके अलावा कराची में आ जाए तो एमक्यूएम का स्टेक रहा है। लोकल गवर्नमेंट कराची की एमक्यूएम के पास थी पिछले 30 से 35 साल से। आज तक पूरी दुनिया में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, पूरी दुनिया में इतने टाइम तक किसी का मेयर नहीं रहा, किसी भी पार्टी का, किसी भी मुल्क में जितना एमक्यूएम कर रहा है। प्रोवेंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास, लोकल गवर्नमेंट एमक्यूएम के पास, इस वजह से कराची डेवलप नहीं हुआ। मैं आज मल्टीपल सिचुएशन, पॉलिटिकल गेन, वो उधर फंड्स नहीं देते, अगर देते तो ये काम नहीं करते कि क्रेडिट उधर जाएगा, डायरेक्टली पीपल्स पार्टी काम नहीं करती कराची में कि एमक्यूएम को क्रेडिट जाएगा। सही है, अब क्या है, पहले हम रोते थे पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को कि यार कराची में काम नहीं होता, अब कराची वाले और फंस गए हैं। ये ना समझे कि उनको सुकून मिल गया, आप और बुरी तरीके से फंस चुके हैं, हम और बुरी तरीके से फंस चुके हैं। देखिये मैं कराची का बेटा हूँ, कराची में रहता हूँ, उर्दू स्पीकिंग हूँ और पैदा भी कराची में हूँ। मुझे कराची का बड़ा दर्द है कि कराची वाला अब तीसरी कौन सी पार्टी आ गई है बीच में, पीटीआई, एमएनएस एमपीएस पीटीआई के, काउंसलर चेयरमैन एमक्यूएम के, और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का। अब क्या आप समझती हैं कि कराची डेवलप होगा? बिल्कुल होना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे फहद, लेकिन हमारे प्रोग्राम में वक्फा लेना बहुत जरूरी होता है, तो नाज़रीन बढ़ते हैं एक ब्रेक के जाने। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. एरिया इनक्लेव के एन वस्त में मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी, मरगला के पहाड़ों के हसीन व्यू लिए वर्ल्ड क्लास बेहतरीन फैसिलिटीज और एमिनिटीज के साथ, दो और तीन बेडरूम के सुपर लग्जरी लाइफस्टाइल अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल, हर अपार्टमेंट विला जैसा रोशन और कुशादा। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के लिए ला रहा हूँ
ایک شاندار پروجیکٹ مدینہ مال اینڈ ریزیڈینسی. تفصیلات کے لیے رابطہ کیجئے شراز بدر 519-807-8771. ای میل کیجئے shiraz@propertybrothers.com. آیورویدک پریکٹیشنر ویدیہ ہریش ورما سے اپنی صحت کو ٹھیک رکھنے یا کسی بھی پرانی بیماری یا روگ کے بارے صلاح لیں. 416-804-1500, 416-804-1500, 2250 بوویٹ ڈرائیو ایسٹ, یونٹ 601, برامٹن. آیوروید دنیا کا سب سے پراچین میڈیکل سسٹم ہے. گھٹنوں کا درد یعنی آرتھرائٹس, ڈائبٹیز, کولائٹس یا پھر توچا کے روگ جیسے سفید داغ یعنی وٹیلیگو, سورائسس, ایکزیما آدی کا آیوروید میں کیسے ہوتا ہے علاج, دیکھیں کینیڈا کے جانے مانے آیورویدک پریکٹیشنر ویدیہ ہریش ورما کے ساتھ. ہیلتھ ضروری ہے. ویدیہ ہریش ورما کے شو ہیلتھ ضروری ہے کو ٹی وی چینلوں اور یوٹیوب پر دیکھیں اور ان سے رابطہ کریں 416-804-1500, 416-804-1500. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم فہد سے بات کر رہے تھے, فہد ہمیں بتا رہے تھے. جی فہد, وہیں سے کنٹینیو کریں گے, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیں جو میں بات کہہ رہا تھا نا کہ کراچی میں پہلے ہم پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے لیے کرتے تھے کہ ان کی پروونشل گورنمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹ ان کی کام نہیں کرے. اب کراچی والا اور پس گیا کیونکہ بیچ میں ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے آ گئے. چیئرمینس ان کی نہیں مانتے, وہ چیئرمینس کی نہیں مانتے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, سی ایم او, منسٹر ہو, یہ آپس میں تینوں لڑ رہے ہیں اس وقت بری طریقے سے. اب آپ دیکھ رہی ہوں گی یہ جتنا بھی ہاتھ ملا لیں یہ کبھی بھی کراچی صاف نہیں کر سکیں گے. دیکھیں اب دوسری چیز جہاں تک رہی, وہ کہتے ہیں ہم کچرا اٹھا رہے ہیں. آپ نے کراچی میں آ کے, ایک تو میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کی کوئی بھی کیمپین, اب وہ گورنمنٹ میں آ گئے, وہ اپوزیشن میں نہیں ہے عمران خان, لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سی ایم صاحب وزٹ کر رہے ہیں, ادھر ادھر وزٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں, اظہار برہمی بھی کیا جا رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر کوئی ایکشن نہیں ہوتا. میڈیا بھی چیخ چیخ کے بول رہا ہوتا ہے ادھر کچرے کے ڈھیر ہیں ادھر. ابھی آپ دیکھ لیں بارشوں کا سلسلہ ہے, روڈوں پہ پانی بھرا ہوا ہے. مطلب یہ کہتے ہیں خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کبھی کوئی بہت زیادہ ریگولر بیسس پہ بارشیں شروع ہو گئیں, مطلب میرے خیال میں روڈ تو پورے بیٹھ جائیں گے, ڈوب جائیں گے. ایون ابھی پانی آنا شروع ہو گیا ہے ایسے علاقوں میں, آپ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے ایریاز میں, وہاں پہ کوئی نہیں, لائک کورنگی ٹاؤن کی آپ دیکھ لیں, اور بفر زون میں تو نالے بھر گئے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ کیا اورنگی ٹاؤن میں ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ 6-6 فٹ پانی جمع ہو جاتا ہے, لوگ بےچارے چھتوں پہ کنورٹ ہوتے ہیں. صحیح. اچھا ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے. صحیح. اس وقت میں آپ کو بتاؤں, ڈی ایم سیز کراچی میں, ڈی ایم سی سینٹرل, ڈی ایم سی ویسٹ, ایسٹ, ساؤتھ, ملیر, کورنگی, اس میں سے 2 ڈی ایم سیز پیپلز پارٹی کے پاس ہیں اور 4 ڈی ایم سیز ایم کیو ایم کے پاس ہیں. صحیح. اب کیا ہے کہ ڈی ایم سیز کام نہیں کر رہی. سالڈ ویسٹ, صرف ایسٹ میں اس وقت سالڈ ویسٹ کا, جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک کمپنی ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر میں ہے, وہ صرف اس وقت ایسٹ میں اس کے پاس کانٹریکٹ ہے اور کہیں پہ بھی نہیں ہے. ویسٹ میں تھا جو ابھی سسپینڈ ہو گیا. میری اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے کیونکہ میں اپنی این جی او چلاتا رہا ہوں, کراچی میں چلا رہا ہوں صفائی کے حوالے سے. تو یہ ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے. صحیح ہے, جی ٹی ایس آپ نے مین شاہراہوں پہ جی ٹی ایس بنا دی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بقرعید کا جو دن گزرے ہیں, بریجز کے نیچے الائشیں پڑی رہی ہیں, بالکل 6-6, 7-7 دن. ابھی تک آپ دیکھ لیں, ابھی تک ہمیں کچھ ایسے مقامات اور ایسے ایسی جگہوں پہ کچرا نظر آتا ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ یار یہاں پر کچرا دمپ کیا ہوا ہے. اس طرح جی ٹی ایس بنا دیے نا. اب آپ اصغر علی شاہ لے لیں, اصغر علی شاہ والا ایریا کتنا پورش نارتھ ناز آباد کا ایریا, اس کے اطراف میں جی ٹی ایس بنایا ہوا ہے. یہ ایک پورا پروسیجر ہے, گھروں سے کچرا اٹھتا ہے, اس کے بعد یہ جی ٹی ایس پہ جاتا ہے, ایک جگہ سارٹنگ ہوتی ہے, پھر جی ٹی ایس سے لینڈ فل سائٹ پہ جاتا ہے, وہاں پہ جا کے ڈمپ ہو جاتا ہے. تو یہاں سے کوئی بھی نہیں کرنے والا. 16,000 ٹن اس وقت کراچی میں کچرا جنریٹ ہو رہا ہے اور اٹھتا کتنا ہے, صرف 6,000-7,000. باقی کچرا کراچی کی روڈوں پہ پڑا ہوتا ہے جس سے ہمارے بچے, ہماری مائیں, ہماری بہنیں اور ہمارے بزرگ بیمار ہو رہے ہیں. صحیح ہے, آپ یقین کریں میں صفائی کا پروجیکٹ چلاتا ہوں نا اپنا, مجھے ایک کنٹینیو پرابلم ہو گئی ہے سائنس کی اسی وجہ سے.
ये बहुत बीमारी है. अच्छा हाँ. और दूसरी चीज कि अब आप देखें कि एक्सपोज होते जा रहे हैं लोग सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि कराची वालों को पहले तो लोग बोल नहीं सकते थे. सही. पहले आप चेयरमैन काउंसलर्स, आप यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज को बोल नहीं सकते बोल थे, नहीं सकते कि थे भाई हमारा ये काम करा दो. आपको वहां बुला लिया जाता था हाजिरी के लिए. आज जो आप कहती हैं बात के PMLN ने क्या किया है कराची के लिए, तो सबसे बड़ी चीज जो की है ना PMLN ने, वो कराची वालों को अमन दिया है. सही है. exactly. हाँ वो तो देखें, जिस हुकूमत ने जो काम किया है, जो भलाई के काम किए हैं और करने भी चाहिए थे, उसको तो हम एप्रिशिएट करते हैं. देखें, लॉ एनफोर्स एजेंसीज हमारे नहीं किया तो उस पर तनकीद भी सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारी जो आवाम है अब उसके अंदर इतना शऊर आ गया कि वो अब वो परेशान हो गए कि यार हमेशा वादे किए जाते हैं वोट मांगने के लिए, हम ये करेंगे, बड़े बड़े जलसे जुलूस किए जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके इलेक्शन होते ही जीतने के बाद ही मतलब कुछ नजर नहीं आती सूरत हाल कि आवाम से वादे किए गए थे तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी, अस्पतालों में मशीनरी प्रोवाइड की जाएगी, मतलब मेडिसिन हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, मतलब आवाम के लिए सोचा जाएगा, लेकिन क्या अपनी तिजोरियाँ भरने में लग जाते हैं, अपने ही ओहदों पर आके उनकी आँखें ऊपर चली जाती हैं, तो आवाम बेचारी वहीं की वहीं है. तो आवाम अब इतनी गुस्सा हो गई है, मतलब उसको समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें. आप देखें, मैं कैसे बताऊं कि लोग अब इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उनका बस नहीं चलता कि वो क्या करें. और मैं कहती हूं कि अभी उनका ये हाल है, आगे आइंदा आने वाले वक्तों में क्या होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जो हमारी हुकूमत आई है उसकी कारकर्दगी भी हम सबके सामने, आवाम काफ़ी गमो गुस्से का शिकार हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि इवन अभी जो बारिशें शुरू हुई हैं और जगह जगह कचरे का ढेर है, आपको पता है कितनी बीमारियों की जड़ है वो. जी बिल्कुल. अभी मैं आपको एक बात कहता हूँ कि जैसे आपने बात की ना, मेरी बात कंटिन्यूटी में उसको लेके आता हूँ कि कराची को जो यरगमाल बनाया हुआ था, अब वो उसमें MQM इन्वॉल्व हो, उसमें लियारी से गैंग वॉर इन्वॉल्व हो, लेकिन उसमें तीसरी कुव्वत भी इन्वॉल्व होती है जो कि इसका फायदा उठा रही होती है. सही. अब क्या था कि मैं एक को बिल्कुल इल्जाम नहीं ठहराऊंगा ना, क्योंकि सभी थे. मियां नवाज शरीफ ने जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त MQM के गवर्नर थे इशरतुलबाद, उनके पास आके गवर्नर हाउस में लॉ इन्फोर्स एजेंसीज के लोगों को बुला के और ये कैटेगोरिकली ऑर्डर्स किए कि मुझे अक्रॉस द बोर्ड कराची को अमन चाहिए. किसी का भी किसी के लिए फोन आया, आपने किसी को फायदा नहीं देना. सही. जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है उसको खत्म करो. सही. कराची वाला यरगमाल बन गया था, क्योंकि मैं ज्यादा देखें कराची की बात करता हूँ. मैं इस चीज को मानता हूँ कि पंजाब साइड पे काम ज्यादा हुआ नून लीग की गवर्नमेंट में, लेकिन कराची में भी काम हुआ है. जो मियाँ नवाज शरीफ डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू सिंध में काम करा सकते थे वो उन्होंने कराया. K4 का मंसूबा लगाया, मोटरवे बनाया कराची टू हैदराबाद. इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज का जाल है. आपको पता है हम आप सफर करते थे क्या बुरा हाल था रोड का. ठीक है. मोटरवे तो बनाया सब पता है. मेरी एक बात सुनिए, मोटरवे बनाया, ग्रीन लाइन मंसूबा लगाया 80%. उस दिन इमरान इस्माइल ने ग्रीन लाइन मंसूबे पे खड़े होके ये बात बोली थी. KIDCL कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी जो इसको देख रही है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में, उसका जो डायरेक्टर जनरल है उनके साथ खड़े होके बोला था कि 80% मंसूबा मुकम्मल है. अच्छा, इसमें कुछ पार्ट था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, पीपल्स पार्टी का. मैं आपको बताऊं क्या था, मेरी इन चीजों पर बड़ी वर्किंग है. एक तो बसेस और उसके अलावा उसकी मेंटेनेंस और उसके ऑपरेशंस जो कि पीपल्स पार्टी ने करने थे. देखिए, अब वफाक एक आपको मंसूबा बना के दे देगा ना ह्यूज इन्वेस्टमेंट पे अपनी तरफ से, लेकिन अब बसेस तो वफाक नहीं ला के दे सकता. exactly. या उसका ऑपरेशंस तो आपकी गवर्नमेंट है ना प्रोविंस में, आप उसको ऑपरेशन संभालेंगे, उसकी मेंटेनेंस आप ठेका देंगे किसी ना किसी को. सही है. ये इस चीज की वजह से वो डिले हुआ. दूसरी चीज, जहां तक मैं अमन की बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि अमन रेंजर्स ने दिया है, पुलिस ने दिया है. तो ये रेंजर्स जब से पाकिस्तान बना है, जब से पाकिस्तान में थी, पुलिस जब से ही पाकिस्तान में थी, मुशर्रफ के दौर में कराची को यरगमाल बनाया गया. 12 मई आपके सामने है कितना कत्लो गारत हुआ. उस वक्त कहाँ थी ये रेंजर्स, इनके पास इख्तियारात नहीं थे. कहीं लड़ाई हो रही होती थी ना तो वो रेंजर्स अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देती थी. मियाँ नवाज शरीफ ने इख्तियारात दिए कि आप ऑपरेशन करें और ऑपरेशन हुआ कराची में. आज कराची वाला आप देखें 2018 के इलेक्शंस में कराची वालों ने किसी का वोट पड़ा नहीं है, खुद ही जाके वोट डाला है. और मैं ये बात कहता हूं कि कराची वाले
ओपनली नहीं, कराची वाले एक्सेप्ट हड़ताल, करते हैं, मानते भी हड़ताल कहाँ, अब आप सुनती हैं कि हड़ताल हुई, हाँ बिल्कुल ये तो है, वो 5 मिनट के नोटिस पे पान का केबिन भी नहीं खुला होता था, लोग ये मिसाल भी देते थे कि इतनी जल्दी तो लैपटॉप भी शट डाउन नहीं होता जितनी जल्दी कराची, तो ये सारी चीजें हैं। और अगर मियां नवाज शरीफ को काम करने दिया जाता होता तो मियां नवाज शरीफ बहुत काम करते, बहुत काम करते। इस वक्त पाकिस्तान में आप उठा लें 90% जितने बड़े मंसूबे हैं सब पे नवाज शरीफ की तख्ती लगी हुई है, ठीक है, इनिशिएट ही करना, लेकिन कुछ ऐसे मंसूबे भी है जो है अब वो अभी यूं के यूं ही है, देखिए यूं के यूं ही किसी ना किसी वजह से हैं। अब आप मुझे बताएं, एक मंसूबा हमने स्टार्ट किया, आप हम 2013 में गवर्नमेंट में आए, 2014 से इमरान खान ने 126 दिन वो डांसिंग फ्लोर लगा दिया डी चौक के ऊपर, धरना दिया, सी पैक बंद पड़ा हुआ था, मियां नवाज शरीफ ने सी पैक को भरपूर स्टार्ट कराया, एग्जैक्टली सही है, जिस पे बहुत सारी तनकीद हुई, जिस पे बहुत रुकावट हुई। आज मैं आपको एक बात बताऊं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से, कि मियां नवाज शरीफ जो इस वक्त जेल में बैठे हुए ना, वो सिर्फ सी पैक की वजह से, क्योंकि उसमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट थी, अगर ये सी पैक बन जाता है तो एक दफा का ही टैक्स इतना आएगा कि आपके पूरे मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। आज वो कहाँ है सी पैक, सी पैक का मंसूबा वहीं का वहीं है, सही है, स्टॉप हुआ हुआ है, और नवाज शरीफ के दौर में कितना वो स्ट्रॉन्गली इस्टैब्लिश हुआ है, सही। इसी वजह से अमेरिका से हमारे ताल्लुकात खराब हो गए थे, सही बहुत सारी वजूहत है, हाल तो सबके सामने ही क्या है कि सी पैक को अगर आप ले लेना तो सी पैक से कराची में, अब देखिए जो मैं बेसिक्स बात करता हूँ, क्योंकि बेसिक्स बात करने वाला कोई नहीं है, सब अपनी पॉलिटिक्स समझाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल से हर चीज को जानता हूँ, मैं उन चीजों से अजियत से गुजर रहा हूँ, मैं डिफेंस क्लिफ्टन में नहीं रहता, मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे दिन में 5 घंटे लाइट भी जाती है, जहाँ पे 4-4 दिन पानी भी नहीं आता, जहाँ पे कचरा भी नहीं उठता, मेरे घर के सामने से गटर का ढक्कन भी नहीं लगाया जाता, मैं उस एरिया में रहता हूँ। अब क्या है कि जो ये सी पैक था ना, इसकी वजह से अमन आता है ना, देखिए अमन से बहुत सारी चीजें इंटरलिंक करती है, लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे डर के मारे, स्नैच हो जाएगी, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे डर के मारे, स्टॉक एक्सचेंज बूस्ट किया था मियां नवाज शरीफ के दौर में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा ऊपर स्टॉक गया था, लोग घर नहीं खरीदते थे, लोग पैसा नहीं निकालते थे, छुपाया हुआ था लोगों ने पैसा, भत्ता आ जाता था, बेटा अगवा हो जाता था, किसी को गोली मार दी जाती थी। 2013 के बाद, क्योंकि आप भी कराची में रहती हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि जो घर, अगर हम 200 square yard का घर ले लें, अगर वो 1 crore rupees का था तो वो आज, क्योंकि कराची में अमन हुआ है, प्रॉपर्टी बूस्ट किया एकदम, प्रॉपर्टी बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, इसी वजह से हुई है ना, इंटरलिंक करती है सारी चीजें, बिजनेस एनहांस होता है, हमारे ओवरसीज जो पाकिस्तानी इस वक्त बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान जो कराची बेस्ड लोग थे ना, वो कराची से पूरी पूरी फैमिली लेके शिफ्ट हो गए हैं, डॉक्टर्स को धमकियां आती थी, अच्छे बिजनेसमैन को धमकियां आती थी, बेचारों ने अपने बिजनेस बंद किए, इंडस्ट्रीज बंद की और इस वक्त चले गए। मेरे पास मिसालें मौजूद हैं, 2-3 लोग हैं जो के 2013-14 में 2016 में जब प्रॉपर कराची में अमन हुआ है ना, तो वो वापस मूव हुए सऊदी अरब से, अमेरिका से, कैनेडा से। देखिये मैं खुद बाहर रहा हूँ 7-8 साल, किसी को शौक नहीं है अपना मुल्क छोड़ के रहने का, बिल्कुल बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, सही है, लोग बेचारे दब के रह गए थे। आज मैं हर चीज खुल के कर सकता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ ना बैठ के, बिल्कुल आप यकीन करें मैं बोल नहीं सकता, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं फहद, हम देख रहे हैं आपके अंदर वो जोश और वो वलवला, पाकिस्तानी बिल्कुल गुजरे हुए, सही। यहाँ पर लेंगे एक वक्फा, नाज़िम फिर हाजिर होंगे फहद से, मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। Concerned about your future, we invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right.
इंडिया एनक्लेव के एन वस्त में मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी, मरगला के पहाड़ों के हसीन व्यू लिए वर्ल्ड क्लास बेहतरीन फैसिलिटीज और एमिनिटीज के साथ, दो और तीन बेडरूम के सुपर लग्जरी लाइफस्टाइल अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल, हर अपार्टमेंट विला जैसा रोशन और कुशादा। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के लिए ला रहा हूँ एक शानदार प्रोजेक्ट, मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी। तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए शराज बदर 519-807-8771, ईमेल कीजिए shiraz@propertybrothers.com। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा से अपनी सेहत को ठीक रखने या किसी भी पुरानी बीमारी या रोग के बारे सलाह लें 416-804-1500, 416-804-1500, 2250 बुवेट ड्राइव ईस्ट, यूनिट 601, ब्रैम्पटन। आयुर्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन मेडिकल सिस्टम है। घुटनों का दर्द यानी आर्थराइटिस, डायबिटीज, कोलाइटिस या फिर त्वचा के रोग जैसे सफेद दाग यानी वटीलेगो, सोराइसिस, एक्जिमा आदि का आयुर्वेद में कैसे होता है इलाज, देखें कनाडा के जाने माने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा के साथ। हेल्थ जरूरी है। वैद्य हरीश वर्मा के शो हेल्थ जरूरी है को टीवी चैनलों और यूट्यूब पर देखें और उनसे राब्ता करें 416-804-1500, 416-804-1500। वेलकम बैक नाजरीन, फहद से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फहद ये बताएगा, PMLN ने मसले कश्मीर के लिए आवाज़ तो उठाई और पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया है कश्मीर के लिए, लेकिन मसला जूं का तू ही है और हमने देखा भी है कि मोदी साहब के नवाज शरीफ साहब से काफ़ी अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात भी रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल सबके सामने ही है। आपको तो पता है मीडिया जो है ढकी छुपी कोई बात किसी से है ही नहीं, फ़ौरन हाईलाइट ही कर देता है, लेकिन हमने देखा है वो जोश, वो रैलियाँ, वो इस तरह का हमें सूरत हाल देखने में नहीं आई, वजह इसकी? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक तो जैसे आपने पहले बात की कि इस वक्त PMLN पे देखिए जो गवर्नमेंट होती है ना उसका बड़ा एक एक्टिव रोल होता है मुल्क के अंदर, जिस भी मुल्क की गवर्नमेंट हो। इस वक्त आप उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में लगे हुए हैं। आप उठा के, इतना बड़ा इशू था कश्मीर का, आपको चाहिए था अपोजिशन के ऊपर हाथ रखें, आप हाथ मिला लेते जाके मियां शहबाज शरीफ से, अपोजिशन लीडर वही है ना, आप हाथ मिला लेते बिलावल भुट्टो से जाके कि यार वी नीड योर सपोर्ट, सही है? आपने क्या किया, उठा के मरियम नवाज को बंद कर दिया। सही, ये आपने ही बंद किया है, ये हम नहीं बोलेंगे किसी और ने बंद किया, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन आपकी ऑल ओवर नजर आ रही है ना, क्योंकि आपके साथ जो लोग हैं वो भी बहुत बड़े करप्ट थे। दूसरी चीज ये कि जब तक मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रही है तो मोदी की जरूरत नहीं हुई उस आर्टिकल पे आवाज उठाने की। सही है, ये इमरान खान साहब अमेरिका जाते हैं, तो उनकी जरूरत नहीं थी, तो क्या नवाज शरीफ साहब उनसे इस मसले का हल नहीं तलाश कर पाए? देखिए मसले का हल मतलब क्या हुआ, जब इतने अच्छे ताल्लुकात, मैं ये बात नहीं बोलूंगा कि इस वक्त इमरान खान है, अगर इमरान खान है तो इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है, और बहुत सारे ममालिक हैं और जो सुपर पावर ममालिक हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। सही है, क्योंकि वो इस चीज को हल नहीं होने देते। अब ये हर कोई अच्छी तरीके से जानता है, वो तो इमरान खान साहब अमेरिका गए, अमेरिका से आए, जैसे ही वो आए हुर्रियत रहनुमाओं को बंद कर दिया। आप आवाज प्रॉपर उठा ही नहीं रहे। आपको पता है ट्रंप ने भी तो कहा था मैं सालिसी का किरदार अदा करूंगा, और हम देख रहे हैं बहुत जो कंट्रीज हैं वो बहुत सपोर्ट कर रही हैं इस मसले के हल के लिए। ये वही चाइना, ये वही चाइना आज आपको भरपूर सपोर्ट कर रहा है। अक्वामे मुत्तहिदा का जो इजलास था वो पाकिस्तान के कहने पे नहीं हुआ था, वो चाइना के कहने पे हुआ था। बिल्कुल। और वही चाइना है ये जिसके सदर को आपने पाकिस्तान आने से रोका था धरना देके डी चौक के ऊपर, एक साल डिले हुआ था उनका दौरा पाकिस्तान। तो ये तो मुल्क के अगेंस्ट सारी बातें कर रहे थे उस वक्त, आज भी ये इस तरीके का रिएक्ट करते हैं। देखिए जब
कोई गवर्नमेंट आ जाती है ना, आप इस वक्त अपोजिशन में नहीं है, आप इस वक्त गवर्नमेंट में, आप गलती से प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो इनको तो उनकी बेगम देख के टीवी पे बताती हैं कि डॉलर के प्राइस बढ़ गए, ये खुद बोल रहे हैं ना कि वो ये सारी चीजें वो खुद ही बोलते हैं ना। तो आप प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, आपको चाहिए कि इस वक्त सारी अपोजिशन पार्टीज को एक साथ देखिए, मैं इस मसले का मुत्तहिद होके ही निकलेगा। और मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, हमारी पार्टी के सारे लीडर्स, हमारे मुल्क के ऊपर जब बात आएगी ना, तो हम सारे इख्तलाफात दूर करके अपने पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। सही है, हमने ये नवाज शरीफ वही आदमी है जिसने पाकिस्तान के ऊपर धब्बा ना जाए या दूसरे इंटरनेशनल मीडिया ये ना कहें कि नवाज शरीफ भाग गया, भाग गया, वो अपनी बेटी को लेकर आया। क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि हम अपने बच्चों को लाके जेल में डालेंगे अगर हमें पता होगा? यहाँ लोगों के खिलाफ FIR कट जाती है तो वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। वो नवाज शरीफ है जो अपनी बेटी को लेके, अपनी बीवी को बिस्तर पे छोड़ के और पाकिस्तान आया है, पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान की खातिर के इमेज अच्छा जाए। और आज अल्लाह ताला ने उस मियां नवाज शरीफ को सुरखरू किया। हमारी नजर में मियां नवाज शरीफ सुरखरू हो चुके हैं। सही, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से चीफ जस्टिस से भी ये बात कहना चाहूंगा कि आप इस केस को फौरन सोमोटो लें। बहुत सारी चीजों पे सोमोटो लिए। देखिए डैम के उस पे जो पुराने चीफ जस्टिस थे, आपने देखा होगा, मैं क्योंकि इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं वो अक्रॉस द बोर्ड काम कर रहे हैं, जो इसमें दो राय नहीं है, दो राय नहीं, वो कोई किसी को फेवर नहीं कर रहे, वो बयान भी देते हैं बहुत जबरदस्त कि इस वक्त माशी पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान डाउनफॉल पे जा रहा है। और जो पुराने चीफ जस्टिस थे ना, मैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं कहता, साकिब निसार साहब को मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ PTI, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड जाके वो अनिल मुसर्रत जो रॉ का एजेंट वो है असल में। अच्छा। अनिल मुसर्रत जो कि इनकी नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी का चेयरपर्सन है इमरान खान साहब की और इन्वेस्टर है। यार आप मुझे एक बात बताएं, जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, क्या अनिल मुसर्रत वो रणवीर कपूर के साथ उसमें जश्न नहीं मना रहा था जब इंडिया जीता है? वो ये सारे जो है ना, ये लेकिन खैर वो तो एक गेम है ना, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। नहीं, देखे, वो है, वो है, लेकिन यू आर बीइंग अ पाकिस्तानी, आप अपने अपने आप को कहते हो और आप पार्टी पार्टी में जा रहे हो उसके साथ जश्न जश्न मनाने की पार्टी में। मैं ये नहीं कहता, हम कश्मीर के लोगों के साथ हैं, उनके ऊपर जितना जुल्म हो रहा है हमारी पार्टी उनके साथ शाना बशाना है। मियां शहबाज शरीफ ने भी एज अ अपोजिशन लीडर डिफरेंट ममालिक के लोगों को जो सरबरा रहा है उनको लेटर्स लिखे हैं कि वी नीड योर सपोर्ट, मतलब कि पाकिस्तान और कश्मीर के हल को जो भी अभी देखें इस तरह इस वक्त जो है ना उनके जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उससे महरूम है। बच्चों के पास पीने को दूध नहीं है, घरों में राशन नहीं है, मोबाइल फ़ोन सस्पेंड है, इंटरनेट सर्विस सस्पेंड है, तो हमें उस पर बात करनी चाहिए। अब इन्होंने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि हम उन चीज़ों पर खुद हाथ बनाएंगे। ठीक है फाद, लास्ट में क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है अपने अख्तिताम को पहुंचने वाला है, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन के लिए? देखिए मैं यही व्यूवर्स को आपके कहना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो कश्मीर का इशू चल रहा है और उसमें आप सबको बींग अ पाकिस्तानी, आप भले किसी भी मुल्क में रहते हैं तो आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, हर जगह प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने चाहिए, इंडियन कॉन्सुलेट्स के बाहर जाके प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने चाहिए ताकि इंडिया को ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान में ही नहीं सिर्फ पूरे दुनिया में पाकिस्तानी और जम्मू कश्मीर के लोगों को सपोर्ट करने वाले, मुसलमानों को सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं। दूसरी चीज़ कि जो कराची पे इस वक्त इशू चल रहा है, तो कराची के इशू को इंशाल्लाह ताला हम अपनी NGO के थ्रू भी स्टार्ट कर रहे हैं और उसको हम भरपूर कराची में सफाई करेंगे क्योंकि इनसे तो सफाई हो नहीं सकती। बिल्कुल, और मैं अपनी NGO को लेके भरपूर एक्टिव होऊंगा। हाँ, इस पे हम मुझे पार्टी, आप बिल्कुल इस पे मेरी पार्टी काम मुझे सपोर्ट कर रही है, मियां शहबाज शरीफ ने मुझे सपोर्ट किया है, मियां नवाज शरीफ ने सपोर्ट किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप कराची वालों के इश्यूज को रिजॉल्व करें। इस वक्त सुनने वाला कोई नहीं है, जो भी है वो सियासत कर रहा है। जब वो इमरा अली जैदी आके कचरा उठाते हैं नालों के बाहर फेंक देते हैं, बारिश होती है पानी के साथ वो कचरा भी वापस। हाँ, सही सूरत हाल तो खैर हम तो ये इस वक्त है, अल्लाह ताला रहम करे। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो कश्मीर है, अल्लाह ताला जम्मू कश्मीर के लोगों पे, मुसलमानों पे, भले वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह उन पे रहम करे और उनको जल्द अज जल्द उनके ये इशू को रिजॉल्व किया। ठीक है फहद की इसी अच्छी बात के साथ प्रोग्राम जो है अपने अख्तिताम को पहुंचा, अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।